सो व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। सो जैसा कि हमारी ये डीएसएस सीरीज चल रही है, इसके अंदर हमने तीन टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिनमें से बेसिकली एक है आपका लिंक्ड लिस्ट, दूसरा है आपका एरे, और तीसरा है आपका ये स्ट्रिंग वाला टॉपिक। तो अभी हम करेंटली जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो बेसिकली है हमारा सॉर्टिंग का टॉपिक। ठीक, तो सॉर्टिंग के अंदर हमने एक सॉर्टिंग देख ली थी जो एक्चुअली थी बबल सॉर्ट, और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग इंसर्शन सॉर्ट कैसे करते हैं, इसका बेसिक टेक्निक क्या है, इसको करते कैसे हैं, तो ये सारी चीजें कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखो, इंसर्शन सॉर्ट को समझने से पहले हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहली चीज है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग किसी सॉर्टेड एरे के अंदर इंसर्शन कैसे करते हैं। एरे अगर आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में है तो उसमें अगर आपको इंसर्शन करना है तो बेसिकली आप इंसर्शन कैसे करते हैं, एक चीज ये समझेंगे। दूसरा समझेंगे कि कोई अगर लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में, और लिंक लिस्ट आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में है, और अगर आपको उसमें इंसर्शन परफॉर्म करना है तो वो इंसर्शन बेसिकली आप कैसे परफॉर्म करते हैं। पहले ये दो चीजें हम कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं कि देखो सबसे पहले क्या है, मैं एक लिंक लिस्ट एरे बना लेता हूँ। जैसे ये हमारी कोई एरे है, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 6। ठीक, तो देखो ये अगर हमारी कोई एक एरे दी गई है, इस एरे के अंदर हमको इंसर्शन करना है, लेकिन इंसर्शन ऐसे करना है कि इंसर्शन के बाद भी जो हमारा, मान लिया हमें x इज इक्वल टू 5 इंसर्ट करना है। ठीक, तो जब हम 5 इंसर्ट करें तो इसके बाद भी जो हमारी लिंक लिस्ट सॉरी जो एरे है ये एक्चुअल में सॉर्टेड ऑर्डर में रहनी चाहिए। तो देखो इसके लिए करेंगे कैसे, तो देखो करना इसका इसको सिंपल सा तरीका ये है। सिंपल सा हम पीछे से कंपैरिजन करना शुरू करेंगे और ये देखेंगे क्या ये जो ये इस पे वैल्यू यहाँ पे है ये क्या एक्स से बड़ी है या फिर छोटी है। ये वैल्यू देखो अभी एक्चुअल में एक्स जो है एक्स से बड़ी है, तो बड़ी है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको एक इधर मूव करा देना है। ठीक, फिर यहाँ पे कंपेरिजन इसका करेंगे, इसका कंपेरिजन करेंगे तो ये भी आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा एक्चुअल में एक्स से ये वैल्यू, जो ये वैल्यू है ये छोटी है। तो यहाँ पे फिर कोई आपको स्वैप परफॉर्म नहीं करना है, या फिर कोई भी आपको जो इधर साइड में आप मूव कर रहे थे मूव आपको नहीं करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 को इंसर्ट कर देंगे। तो एक तरीका ये हो गया कि इंसर्शन करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं, अगर चेक में हमारा एलिमेंट जो वो पर्टिकुलर एलिमेंट है अगर वो बड़ा है तो हम उसको लेफ्ट साइड में क्या कर देंगे, बेसिकली उसको मूव करा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन में ये कंडीशन हमारी गलत हो जाती है, यानी जो एलिमेंट है वो बड़ा नहीं होगा, तो आपको वहीं पे रुक जाना है और वहीं पे वो जो लोकेशन है वहां पे आपको वैल्यू, उसकी जो नेक्स्ट लोकेशन है उस पे वैल्यू को इंसर्ट करा देना है। ये तरीका हो गया आपकी लिंक एरे के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि सेम चीज अगर हमें लिंक लिस्ट में करनी हो तो लिंक लिस्ट में कैसे करेंगे। तो एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं सिंपल सा। तो देखो एक लिंक लिस्ट है, मान लिया यहाँ पे जैसे ये है आपका, मान लिया 5, 5 से आपका हुआ यहाँ पे हुआ मान लिया 6, 6 से आप अपन गए 7 पे, और 7 से जा रहे हैं अपन 9 पे। ठीक है, और 9, और यहाँ पे देखो एक काम ये करते हैं, यहाँ से अपन जा रहे हैं देखो 13 पे। ठीक, अब आपको इंसर्ट करना है एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक, अब आपको इंसर्ट करनी है जो वैल्यू वो एक्चुअल में है एक्स इज इक्वल टू 8, इसको हमें इंसर्ट करना है। तो वो आपको देखो तो आपको लॉजिकली क्या लग रहा है, कहाँ पे आएगी वो एक्चुअल में आएगी तो आपकी यहाँ पे। तो इसको लाएंगे कैसे, सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंटर लेने पड़ेंगे, टू पॉइंटर अप्रोच लगेगी। तो चलिए देखते हैं, देखो सबसे पहले एक पॉइंटर यहाँ पे लेना है आपको क्यू, एक पॉइंटर लेना है पी। ठीक, तो आपको सिंपली ये चेक करना है कि जो पी का डेटा है क्या वो हमारा पी का डेटा एक्स से छोटा है या फिर एक्स से बड़ा है। तो अभी के करंट सिनेरियो में जो पी का डेटा है वो क्या है, एक्स से छोटा है। तो आपको क्या कर देना है, सिंपली आपको पहले क्यू को लेके आना है इस पे। ठीक, सबसे और ये बात याद रखिएगा, पहले आपको क्यू को लेके आना है, उसके बाद आपको पी को नेक्स्ट पे मूव करा देना है। अब पी आपका यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर कंडीशन चेक की, पी का डेटा आप कितना है, 6 है और एक्स की वैल्यू 8 है, तो पी का डेटा जो है लेस देन है एक्स से। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा
आपको आगे बढ़ते जाना है, और आगे बढ़ के आपको करना क्या है, सिंपल सा, जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे तो आगे बढ़ने के बाद आपको वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो देखो ये कंडीशन हो गई एक्चुअल में फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हुई तो हमने क्या बोला था, अभी क्यू को वापस लेके आओ, यहाँ पे लेके आए। अब फिर से पी को एक नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे बढ़ा दिया, फिर चेक किया पी का डेटा कितना है, 7 है। क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। तो क्या करो, क्यू को यहाँ पे लेके आओ और पी को फिर से नेक्स्ट पे मूव करा दो। जब यहाँ पे मूव कराए पी को, तो अब क्या होगा, अब देखो पी का डेटा जो है वो एक्चुअल में क्या हमारे एक्स से बड़ा है? नहीं, कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक, अब जब कंडीशन ट्रू हुई तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक वेरिएबल बनाना है। जो वेरिएबल अपन बनाएंगे वो क्या है, मान लिया एक मैंने टेम्परेरी वेरिएबल बनाया टी। ठीक, तो टी के अंदर हमने डेटा डाल दिया 8, और देखो टी का जो नेक्स्ट है उसको हमने पॉइंट करा दिया यहाँ पे, और जो यहाँ पे अभी क्यू था क्यू का नेक्स्ट को पॉइंट करा दिया टी को। बस इतना सा किया और हमारा इंसर्शन हो गया। अब मैंने दोनों चीजें आपको ये समझा दी कि कैसे एक्चुअल में इंसर्शन करते हैं, और कैसे बेसिकली इसमें दोनों तरीके से लिंक्ड लिस्ट के लिए और एरे के लिए हमने आपको बता दिया। ठीक, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट भी कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं। ठीक, एक एरे बनाते हैं, सिंपल सा मान लिया एक कोई एरे है। एरे आपकी ये है 7 8 9, सॉरी इसको थोड़ा अनसॉर्टेड ऑर्डर में लेते हैं वरना दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से। चलो ठीक, तो हमको जो एरे लेनी है, मान लिया हमने ली एक एरे, मेरे पास है जैसे 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका 3, 3 के बाद 2। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है, एक्चुअल में हमको परफॉर्म करना है इंसर्शन। ठीक, अब इंसर्शन बेसिकली इंसर्शन होता क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया। तो देखो इसमें परफॉर्म कैसे करेंगे ये समझने वाली बात है सबसे पहले। तो हमें एक्चुअल में करना ये है कि ये हमारी एरे सॉर्टेड ऑर्डर में आ जानी चाहिए। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, इस तरह से होगा, 2 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा फिर आपका 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो देखो यहाँ पे करेंगे कैसे, सिंपल सा हम एक यहाँ पे स्लाइडर बनाएंगे। ठीक, स्लाइडर बनाने के बाद हम ये मान लेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है हमारा ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, और रिमेनिंग वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये आपके अनसॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक, इतना मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम स्लाइडर को एक एक करके मूव कराएंगे, और कंपेरिजन करके अगर कोई उसमें से बड़ा या छोटा होता है तो उस अकॉर्डिंग हम उसको स्वैप करके सॉर्ट करेंगे। ठीक, तो देखो ये करते कैसे हैं, यहाँ पे सिंपल सा, जस्ट मी गिव मी 1 मिनट गाइस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो करना कैसे है यहाँ पे हमें सिंपल, तो यहाँ पे हमने मान लिया पहला एलिमेंट हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक, तो अब अपन करेंगे क्या, देखो इसमें अब होगा ऐसे, एक स्लाइडर आपने बढ़ाया, ठीक स्लाइडर आपने यहाँ पे बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, 8, 8 के बाद यहाँ पे ये एक स्पेस ये खाली है, ठीक, और ये 5 आपका बाहर आ जाएगा, फिर ये स्लाइडर आपका, फिर 7, फिर 3, फिर 2। तो देखो अब करेंगे क्या, हम सिंपल कंपेयर करेंगे कि 5 आपका 8 से क्या है, छोटा है। तो जब 5 आपका 8 से छोटा है तो 8 आपका इधर आएगा और 5 आपका इधर जाएगा। तो यही हम कर देंगे सिंपल सा, 5 8 8 के बाद फिर आ जाएगा 7, और स्लाइडर अभी यहीं पे 7 3 2। ठीक, इतना हमने कर दिया। इसके बाद क्या होगा, अब सिंपल सा हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है एक्चुअली 7 को। तो देखो 7 को इंसर्ट करने के लिए मान लिया हमने ले लिया नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक ये बनाया। ठीक, तो 5 हमारा इंसर्ट है, 8 आपका इंसर्ट है, ये वाला स्पेस आपका खाली हो गया, स्लाइडर यहाँ पे आ गया, 3 2। अब देखो क्या होगा, सिंपल सा हम कंडीशन चेक करेंगे कि 7 क्या 5 से बड़ा है, तो कंडीशन हमारी हो गई ट्रू। अब हम देखेंगे कि क्या 7 आपका 8 से बड़ा है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो 8 आपका इधर आएगा और 7 यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो जो एरे बनेगी वो क्या कैसे बन जाएगी, अब 5 7 8 3 2, और अभी तक आपका ये स्लाइडर कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब फिर से हम स्लाइडर मूव कराएंगे, तो स्लाइडर मूव कहाँ पे होगा, 3 पे होगा। तो चलिए देखो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमने लाया 5 7 8, और यहाँ पे ये आपका स्लाइडर आ गया 2। ठीक,
अब थ्री हमको इंसर्ट करना है, तो थ्री बेसिकली क्या करेंगे, हम सिंपल कंपैरिजन करेंगे, यहां से कंपैरिजन शुरू करेंगे। थ्री आपका एट से क्या है, एक्चुअल में थ्री आपका एट से छोटा है, तो छोटा है तो सिंपल क्या होगा, ये इधर आएगा। उसके बाद फिर सेवन के लिए चेक करेंगे, सेवन से भी छोटा है तो फिर इधर आ जाएगा ये, और सेम यही फाइव के लिए। तो उसके बाद जो थ्री है आपका ये फर्स्ट पोजीशन पे आके इंसर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थ्री फाइव सेवन, सेवन के बाद एट, एट के बाद ये टू, और स्लाइडर अब आपका आ जाएगा यहाँ पे है। अब यहां से स्लाइडर आ जाएगा फाइनल पोजीशन पे। तो चलो इसको लेके चलते हैं फाइनल पोजीशन पे। जब आया तब एक्चुअल में देखो होगा क्या, ये हम लेके आए फाइनल पोजीशन पे। तो देखो अब यहाँ पे होगा, ये स्लाइडर आ गया आपका फाइनल पोजीशन पे, थ्री फाइव सेवन एट, ये आपके इंसर्ट है, एक वैल्यू आपकी इंसर्ट करनी है। तो देखो इसको इंसर्ट कैसे करेंगे, सिंपल हम कंडीशन चेक करेंगे, टू इज लेस देन एट, क्या करो सिंपल मूव करा दो, फिर टू इज लेस देन सेवन, सिंपल मूव कराओ, फिर टू इज लेस देन फाइव, सिंपल फिर से मूव, टू इज लेस देन थ्री, फिर से मूव कराओ। तो मूव कराने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपकी क्या आ जाएगी, टू थ्री फाइव सेवन एट, यही हमने किया। ठीक, तो जैसे ये हम कर रहे होंगे तो होगा क्या, देखो आपकी जो एरे है बेसिकली वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुकी है। ठीक, तो यहाँ पे जब हमने ये एरे को अपने सॉर्टेड ऑर्डर में कर लिया, तो सबसे बड़ी बात है कि अब आपको पता चल गया कि अप्रोच क्या होती है। सिंपली एक स्लाइडिंग अप्रोच है कि इंसर्शन अगर आपको आता है कि किसी पर्टिकुलर एरे के अंदर इंसर्शन करना होता है तो वो कैसे करते हैं, तो आप इंसर्शन सॉर्ट अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और एज ए फैक्ट बता दूं कि इंसर्शन सॉर्ट को कभी हम लोग ज्यादा एरे के अंदर यूज नहीं करते हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज किसके अंदर हो रहा होता है, बेसिकली लिंक लिस्ट के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ कंपैरिजन, नंबर ऑफ स्वैप्स किसमें कितने होंगे पास वाइज। तो ये मान लिया हमारा था पास वन, ठीक, अगर ये हमारा पास वन है, इसके बाद ये वाला मान लिया हमारा पास टू है, ये आपका हुआ पास थ्री, यहाँ पे आपका कट रहा होगा तो ऊपर लिख देता हूं, और ये वाला आपका हुआ पास फोर। ठीक है, पास फोर हो गया ये। ठीक, तो अब जब हमें पास फोर हमने देख लिए तो टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पासेस हैं वो बेसिकली हो गए हमारे चार। तो एलिमेंट टोटल कितने थे हमारे, पांच थे, तो टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने आ गए, एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ पासेस आ गए आपके फोर। यानी तो अगर आपके एन एलिमेंट हैं तो पासेस जो टोटल होंगे वो एन माइनस वन होंगे, इतना आपको अब समझ में आ चुका है। अब इसके बाद देखो दूसरी चीज ये आती है कि ईच एंड एवरी पास में यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्वैप आपका कितना हो सकता है, एक हो सकता है। ठीक, नीचे वाले में सेम यही है, नंबर ऑफ स्वैप कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इसमें तीन और इसमें चार। ठीक, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स हैं वो इतने ही इसके अंदर बेसिकली परफॉर्म हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्वैप्स के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया। फिर बात आती है कि नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने होंगे, तो सेम यही नंबर ऑफ स्वैप्स जितने हैं उतने नंबर ऑफ आपको कंपेरिजन परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम के टर्म्स में, क्योंकि इसी हिसाब से आपके कंपेरिजन बेसिकली चल रहे होते हैं। ठीक, तो ये मैंने बता दिया किस तरह से आपको बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करना होता है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इंसर्शन सॉर्ट करते हैं और कैसे ये किया जाता है। ठीक है गाइस, अब बात आती है कोड की, तो कोड वाला जो सेक्शन है, जब हम लोग कोड वाला सेक्शन कर रहे होंगे तो उस दौरान हम इसको अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे हमको करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। All the very best.